बीएसएफ में खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर चर्चा में आए बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का वीआरएस कैंसिल कर दिया गया है। बीएसएफ के मुताबिक जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक वह बीएसएफ को नहीं छोड़ सकते। बीएसएफ के मुताबिक चूंकि वह जांच प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, इस वजह से उन्हें अभी वीआरएस नहीं दिया जा सकता। जम्मू के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात तेज बहादुर ने 9 जनवरी को सोशल मीडिया में वीडियो डालकर खराब खाना दिए जाने की शिकायत की थी। इस मामले ने काफी तून पकड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बीएसएफ से इस मामले की पूरी जांच करने को कहा था। इस बीच यह भी पता चला है कि तेज बहादुर के आरोपों को लेकर बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को अपनी पूरी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में तेज बहादुर के आरोप गलत पाए गए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जांच में यह भी पाया गया है कि तेज बहादुर लगातार गलतियां करता रहा है और उसे कई बार कड़ी सजा भी दी गई है, लेकिन वह अब तक नहीं सुधरा है। तेज बहादुर के खिलाफ बीएसएफ कोर्ट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी भी चल रही है। वहीं तेज बहादुर की पत्नी ने बीएसएफ पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बीएसएफ ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। तेज बहादुर ने सितंबर महीने में वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन अब जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें वीआरएस नहीं मिल सकता। देखते रहिए डीबी लाइव।